लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम सब फिल्में तो देखते हो ना, तो अभी तुम समझ ही गए होगे कि क्या होने वाला है। लगता है ये छोकरा अंग्रेजी फिल्में ज्यादा देखता है। चलो सब लोग इसे कॉपी करो। यहाँ का मैनेजर कौन है? मैं हूँ सर। चल बे, माल किधर है बता। खड़ी हो जा। कोई भी हिलाना तो भून के रख दूंगा। क्या ढूंढ रहा है? अच्छा हाथ मारा है तूने। हाँ, ऐसी एक आइटम मुझे भी चाहिए वरना नाइंसाफी होगी। हाँ, तू दिखने में ठीक ठाक है। चला, अबे चल बाहर, हम लोग अपना वेट कर रहे हैं। छोड़ दो उन लड़कियों को, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। चलो निकलो यहाँ से वरना इन दोनों की खोपड़ी खोल देंगे। कितना है? बॉस ने तो 2 कहा था, पर ये तो 2.5 करोड़ है। अब बैंक वाले बोलेंगे 4-5 करोड़ लूट लिए। बताओ क्या करें? तो ही बता। बताना क्या है, बॉस को 2 करोड़ दे देंगे, बाकी का हम रख लेंगे। इतना भी ईमानदार मत बन, हमने मेहनत से चोरी उसके लिए नहीं की है, समझा? तो तू क्या चाहता है? प्लान उसका था, इसलिए 50 लाख उसे देंगे और बाकी 2 करोड़ हम लोग बांट लेंगे। बॉस को पता चला तो हम दोनों को ठोक देगा। उसे पता चलेगा तब ना, उससे पहले ही हम यहाँ से काट लेंगे। रिस्क है, अगर पकड़े गए तो? तू उसे एड्रेस बता के भागने वाला है क्या? मुझे तेरा प्लान ठीक नहीं लग रहा, मैं बॉस को फोन करता हूँ।
Hey! अगर फोन लगाया तो यहीं ठोक दूंगा। तो मुझे धमकी दे रहा है? नहीं रख सकते हम ये पैसे। ऐसा तू सोचता है, बात मान ले या फिर मर जा। ए, गन मेरे पास भी है। तेरी तो मेरी बात मान ले। तू मेरी बात मान। इस बार चेन्नई अगर मैच नहीं जीती ना तो मैं तेरी वाट लगा दूंगा। वो है क्या? बस अभी वो आने ही वाला है। वैनिटी वैन भी तैयार है। हाँ, जाकर देख हीरोइन की डुप्लीकेट आई है क्या? ओके। शर्मा, हाँ? लाइटर है क्या? अब सिगरेट भी निकाल। पहले मांगने में शर्म आ रही थी। यही मेरा स्टाइल है। थैंक्स। जला तो ले। अगर इसे जलाऊंगा तो ये अंदर फेफड़े जला देगी। स्टाइल के लिए पकड़ा है और कुछ नहीं। कोई काम धंधा नहीं है क्या? चल निकल। मैडम तैयार है? वो बकरा किधर है? फिकर मत कर यार, आता ही होगा। हीरोइन के आने से पहले निपटाना होगा। हे, आ गया। बेंच लेकर गए हो का? अरे नहीं रे, रात में हमरे भैया घूमने के लिए बेंच लेकर गए, इसलिए हम आड़ी में आ गए। अच्छा अच्छा, इतना लेट कैसे हो गए? रास्ते में आते आते कुछ काम आ गया था क्या? टायर वा पंक्चर हो गया। आगे वाला टायर या पीछे वाला? नहीं स्टेपनी, तो हीरोइन वा कहाँ है? पीछे देखिए, आ गई। फोन रख, बाद में बात करते हैं। अरे रे, ये तो श्रेया जैसी नहीं लग रहा है। मेकअप के बिना सारी हीरोइन एक जैसी लगती हैं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी बात करके आता हूँ। सॉरी थोड़ा लेट। हाय, नहीं कोई बात नहीं, मैंने बताया था ना, वही है बनारस से ललन यादव। चलो जाकर मिलते हैं। चलिए चलिए। जाते ही एक झप्पी और पप्पी दे देना। ओके। ललन यादव। मैं अभी आई। क्या बताएं, अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? अभी अभी श्रेया हमको चुम्मा दे गई रे। अबे कितना फेंक रहे हो? तुमको यकीन नहीं हो रहा? तुमको क्या, हमको भी नहीं हो रहा। बाकी बातें वहाँ आके बताते हैं हम। मैडम वह 19 तारीख को तो आएंगी ना? आएगी, लेकिन पैसे के बारे में भूल जाओ। तुम बस किसी भी तरह मैडम वहाँ को वहाँ ले आना।
गांव में हमारी बहुत इज्जत है, वो नहीं आई तो। मैडम बुला रही है, चलिए करीब से मिलते हैं। आप ललन यादव है ना? हेलो, हम ही है। 19 तारीख को मेरे बर्थडे पे आकर आप डांस करेंगी ना? 3 गानों पर नाचूंगी। वाह वाह, क्या बात है, सब पागल हो जाएंगे। मैडम शॉट रेडी है। मैडम मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब मुझे जाना होगा, बाकी की बातें चंदू से कर लीजिएगा। चलिए चलिए ना। उन्नीस को शाम तक पहुंच जाएंगे तो भी चलेगा। नाचने मैं आऊं क्या? का मतलब? ऐसे ही बोल बचन, दोगे तो मैं आऊंगा, पैसे दोगे तो वो आएगी। मैं समझ गया, कितना दे? 2 लाख दे दो। ये लो, और साथ में ये भी रख लो, मैडम के साथ एक और लड़की को ले आना। और सुनो, कहना मेकअप करके ही आए, वरना क्या है ना, वहाँ के लोग पहचानेंगे नहीं। ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। ए, जाओ उस लड़की को फ्री कर, और तू मोबाइल और सिम दोनों चेंज कर। हाँ, ठीक है। दिखाऊं तुझको, झूम के दिखाऊं तुझको, ऐसे रंग जमाऊं तुझको, दिल पड़ खोना। ये मेरी टैशन, ये मेरा एक्शन, वेलकम ओ लैडी, कम टू माय गाड़ी। मौज करेंगे, खुल के जिएंगे, दुनिया घुमा दे, ऐसा धुआं दे। नच के दिखाए बेबी, नच के दिखाए और हंसाए, ना फिक्र किसी की, शोर मचाए बेबी, आसमां झुकाए, जोश झुनू देखो। तुझको जादू आज हो जाएगा पूरा बेकाबू, चाहे दुनिया कहे कुछ भी, कसम से मैं तो मिलूंगा आज सनम से। ए, रुक जा, फोन खरीदना है क्या? अच्छा फोन है तो बताओ। हाँ खुद ही देख ले। कितने का है? शोरूम में 55 में मिलता है और यहाँ पे 45 में मिल जाएगा। 30 कर दो ना। 40 से 1 रुपया कम नहीं। अरे लाओ मुझे भी दिखाओ। भाई एक दिन रुक जाओ ना, मैं कल आपसे जरूर खरीद लूंगा। ठीक है, रुको अभी पैसे लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, लो जेब में रख दो। क्यों क्या हुआ? 40 बोला था, 35 पकड़ा दिए। फ्रॉड पसंद नहीं है मुझे, ईमानदारी से धंधा करता हूँ। लो पूरे 40 है। सॉरी यार लेट हो गया। पीस तो सही है ना? बस पानी में मत गिराना, जिंदगी भर चलेगा। प्यार करूं मैं तुझको, दिखाऊं मैं दिल पे घाव, ऐसे जैसे कोई हो दीवाना आवारा, प्यार करे ऐसे मुझको, दे दिल दे 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 तू मुझको, दिल लेके तू मेरा ही दिल, मुझसे चाहत तू राहत तू, प्यार मेरी तू ही, बिन तेरे जीना ना जीना नहीं मुझको। नच के दिखाए बेबी, नच के दिखाए और हंसाए, ना फिक्र किसी की, शोर मचाए बेबी, आसमां झुकाए, जोश झुनू देखो। सुन, सेम सूटकेस लेकर आओ। आज हो जाएगा पूरा बेकाबू, चाहे दुनिया कहे कुछ भी, कसम से मैं तो मिलूंगा आज सनम से। ये ले।
आज तो मजा आ गया। हाय हाय। अरे ये क्या, हाय, जल्दी कैसे आ गई? क्लास कैंसिल हो गई ना भैया, इसीलिए आ गए। अच्छा ठीक है, तो घर चलते हैं। संजय चलता हूँ। हाँ ठीक है, बाय बाय। हे किधर जा रहा है? भाई से अर्जेंट बात करनी है। वो बात मुझे बता। चल, मुझे पगार तू दे रहा है कि भाई दे रहे हैं? खाली फोकट सुबह सुबह मूड खराब करता है। भाई राघव और शेखर ने बैंक में चोरी की और पैसे लेकर भाग गए। मैंने कॉफी के लिए बोला था, क्या हुआ? नहीं चाहिए भाई, मैं अभी अभी लस्सी पी के आया हूँ। उन दोनों को पैसे लाने को कहा था, वो दोनों भाग गए। इसे कॉफी लाने को बोला था, अब तक नहीं लाया। मेरी यहाँ कोई इज्जत है या नहीं? अब क्या करेंगे भाई? आप पैसों की बात कर रहे हो कि कॉफी की? अबे जो पैसे गए सो गए, अभी भाई कॉफी की बात कर रहे हैं। तुम जैसे मंदबुद्धि साथ में रहेंगे तो थोड़े सालों में मेरे पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। जल्दी जाओ, उन दोनों के घरों में जो भी मिले उन्हें उठा लाओ। हम पहले ही गए लेकिन कोई है नहीं, सब लोग छू मंतर हो गए। सही बात है, कब का भाग गए होंगे? अब तक किसी महंगे एरिया में बंगला भी खरीद लिया होगा। भाई उस राघव की बहन यहीं कहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, उसे पकड़ेंगे तो हमें राघव का पता चल जाएगा। कॉफी उसे दो। बेटा भाई तू कॉफी पी। हाँ भाई। उसकी बहन के कॉलेज जा, किसी हालत में वो अपने हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। भौंकना बंद करो। इतने दिनों से जो मैं तुम्हारी बकवास सुनती आ रही हूँ ना, इसीलिए अब मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले तो तुम ही मेरे पीछे दुम हिलाते हुए आए थे और अब इस तरह मुझ पर भौंक रहे हो। बेसिकली तुम बहुत बड़े चेप हो, गॉट इट? भैया मैं 10 मिनट में आती हूँ, तुम बाहर रुको। ठीक है। हाँ? अबे तेरी तो हेलो। अरे छुटकी को जरूरी काम था कॉलेज में, इसलिए साथ में आया हूँ। बस अब 10 मिनट में यहाँ से निकलूंगा। एक्सक्यूज मी, जरा जल्दी मुझे अपना फोन दो। अबे ये लड़की कौन है? सुना नहीं क्या? फोन दो। सच बताना यार, कहाँ है तू? तू रख, बाद में फोन करता हूँ। अरे सुन तो। हेलो। हाँ बोलो। जब भी मैं तुझे फोन करती थी तेरा फोन बिजी आता था, तभी मैं समझ गई थी कि तेरा कहीं और टाका भिड़ा हुआ है और अब तू मुझसे छुटकारा पाना चाह रहा है। लेकिन ये तेरी खुशनसीबी है कि तेरे जैसे चेपू से मैं बात भी कर रही हूँ। तुझे पता है तेरे जैसे लोगों को मेरे घर में ना ड्राइवर की नौकरी भी ना मिले। अच्छा तो ये ब्रेकअप का मामला है? तुझे शर्म नहीं आती? और वो महा बेशरम है, तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। शर्म है तू, इतनी गालियां सुनने के बाद में भी बात कर रहा है। अब चुपचाप फोन रख दे, और अगर नहीं रखा ना तो काट कर रख दूंगी। फोन नहीं बे, तेरा गला। चल फोन रख। थैंक्स। अच्छा सुनिए, मुझे एक और फोन करना है, कर लूं? हाँ क्यों नहीं। हे श्वेता, मेरा और उस गधे का ब्रेकअप हो गया, ये बात अब सबको पता चलनी चाहिए। इसलिए तू ट्विटर पे ट्वीट कर, फेसबुक पे पोस्ट कर, रिलेशनशिप स्टेटस को चेंज कर दे, कॉम्प्लिकेटेड से सिंगल कर दे। ओके बाय। थैंक्स। आपका फेसबुक का आईडी क्या है? चलो चलते हैं। कैसे हो बच्चों? हम ठीक हैं पापा, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अस्थमा की तकलीफ है बेटा, यहाँ डॉक्टर हर हफ्ते आकर कुछ ना कुछ दवाई देते हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है पापा, इस साल MBBS पूरा हो जाएगा। MD सीट के लिए फीस भर दी है पापा, बस थोड़ी बाकी है वो भी भर दूंगा, उसके बाद सीट कंफर्म हो जाएगी। मुझे माफ करना बेटा, मेरे होते हुए सारी जिम्मेदारियां तुम्हें उठानी पड़ रही है। आप ऐसे मत बोलिए पापा, आप किन हालातों में जेल आए मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। तुझे इस हाल में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है,
पर इसे डॉक्टर बनते देख उतनी खुशी हो रही है। ये बेशक बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। तो फिर अब मेरी बेटी ही मेरा इलाज करेगी। तुम दोनों बस इसी तरह खुश रहो मेरे बच्चों। हाय। अरे संतोष, चार चाय लिया। क्या बे, नया फोन लिया? हाँ चंदू, 50,000 का लिया है। इतने महंगे फोन की क्या जरूरत है? बस यार, थोड़ा दिल किया तो ले लिया। हाँ? वो मेरे घर के सामने फातिमा नाम की। क्या माल है भाई? चुप कर, मना किया ना कितनी बार फातिमा के बारे में ऐसी बात नहीं करना। वो उसको क्या है ना, ये वाला फोन बहुत पसंद है, तो अगर मेरे पास होगा तो जल्दी पड़ जाएगी। मेरे पास होगा तो मुझसे भी पड़ जाएगी, ऐसे ही पूछ रहा था। ए, तू क्या सिर्फ चाय देके चला जाएगा? चाय वाला चाय नहीं देगा तो क्या बिरयानी देगा तुमको? क्या पंच है? बकवास बंद करो और मेरे पैसे निकालो। खाते में लिख ले। ए, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। आज मैं तुम लोगों की कोई बात ना सुनूंगा ना समझूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी कहूंगा तो घाटा मेरा ही होगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आज तक मुझे किसी ने इतना नहीं सुनाया। चल एक बार ईमानदारी से खेलते हैं। ईमानदारी से ना? एकदम सच्ची ना? हाँ तो ठीक है। ए तो उठ रहे, बैठ जा, शुरू करते हैं। हाँ तू भी पैसे निकाल। हाँ ठीक है। यहाँ पर 2,000 रुपए हैं। हाँ। हम दोनों बोली लगाएंगे। हाँ। ज्यादा बोली लगाने वाला जीतेगा। हाँ अच्छा ठीक है, चल पहले बोली तू लगा। हाँ। 1,000। तो मेरी बोली है 1,100। 1,200। तो दूसरी बोली 1,300 मेरी तरफ से। ठीक है, एक काम करते हैं, 1,300 दे दे, बाकी तो रख। यस, देखा ईमानदारी से खेलने से क्या हुआ, हार बर्दाश्त नहीं हो रही होगी ना। ये मेरी तरफ से टेप रख। हाँ ठीक है ठीक है। ओके बाय। ए चंदू, चल तुझे साहब बुला रहे हैं। इस बार का हफ्ता लेने आया होगा। इस बार वजन कम लग रहा है। ठीक है, अगली बार नोट नहीं चिल्लर दूंगा। तेरी कंप्लेंट्स दिन ब दिन बढ़ रही है और कमीशन कम हो रहा है। कंप्लेंट्स करने वाले 1,000 होते हैं, लेकिन कमीशन देने वाला नहीं मिलेगा। जो देता हूँ रख लो ना साहब। कब तक ये काम करेगा? कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले। वही चक्कर में पड़ा हूँ सर, बड़ा प्लान कर रहा हूँ जिससे आपको इस डब्बे के बदले लंबी गाड़ी मिल जाए। इंतजार करो ना। डायलॉग अच्छे मारते तू। सर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है। What is this babu yaar, hum pyar kaise hua, pagal dil ka dekho hal kaise hua, duniya kahegi kya tujhko socha tune, kya karega phas gaya tu, choice nahi hai koi tere paas jaani, dil le gayi hai ye rani, अब तो जीना है जीना है, अब तो प्यार के ही सहारे, दिल दे 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 मेरा वापस, दिल दे जान तू है मेरी, लगती है हरी भरी गोरी गोरी गोरी, मिल जा एक बारी। What is this babu? अरे यार, आईने में देखना बंद कर, एक नजर यहाँ भी देख ले। पागल दिल का देखो हाल कैसे हुआ। एक्सक्यूज मी। यस। ओह मीरा। हाँ मीरा, पर तुम कौन हो? बस क्या इतनी जल्दी भूल गई तुम? उस दिन मेरे फोन से किसी पर चिल्ला रही थी, ब्रेकअप वगैरह कुछ। तुम्हारा फोन यूज किया तो मुझे फॉलो करोगे क्या? और बाय द वे, मैं खूबसूरत हूँ इसीलिए तुमने मुझे याद रखा, लेकिन तुम मुझे क्यों याद रहोगे? चर्बी इसकी बॉडी में नहीं दिमाग में चढ़ गई है। अब क्या चाहते हो, तुम्हारे इस महीने के मोबाइल का बिल मैं पे करूँ क्या? बोलो। अब बस भी करो, एक्सक्यूज मी क्या बोल दिया, तुम तो सर पे चढ़ गई। सर पे मैं नहीं तुम चढ़ रहे हो, तुम सब मतलबी हो।
पहले तो खुद बात करने आओगे और जब काम बन जाएगा तो पतली गली से निकल जाओगे। सुनो तुम जैसो को ना। हेलो 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 हेलो, मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बकवास मुझे सुनाती जाओ। और हाँ, सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। अपनी ट्रॉली देखो, बाद में बोलो। ये ट्रॉली एक्सचेंज कब हुई? पूछ रही हो या शक कर रही हो? ट्रॉली की अदला बदली होगी है, बस यही बोलने आया था। देखकर लगा कि जानता हूँ, इसलिए बात करने चला है। मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं है जो तुम्हारे पीछे सुपरमार्केट तक आ जाए फिर अंदर आके तुम्हें पटाने की कोशिश करे। वैसे भी मेरे पास ये मजनूगिरी करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। ट्रॉली वापस करो। तुम बहुत चालाक हो। हाँ, चालाक तो मैं बचपन से हूँ, बताने की जरूरत नहीं। कॉलेज के लिए तुम्हें लेट नहीं हो रहा क्या? वैसे आज तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? सोचा कि तुम्हें ड्रॉप कर दूं। वैसे तो छोड़ने नहीं आते, आज ऐसे क्या खास बात है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतने सवाल मत पूछो, चलो चुपचाप बैठो। चलो। ओके, बाय। भाई तो बोल दिया ना, अब जाओ। अरे तेरा बड़ा भाई हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तू जा वरना लेट हो जाएगी। चलो ये भैया भी ना। जल्दी चलो, कोई देख लेगा। अरे आना। ऑटो रुको रुको, चल चल चलो। अरे मैं थोड़ी जगह दो ना। जानम रुक जा, बात तो कर ले जरा, दिल का है मामला ये तो सुन ले जरा। ओ बेबे माय बेबे, यू मेक मी सो क्रेजी, हु आर यू, हाउ आर यू, वेयर आर यू माय बेबे। आजा अब तो आजा, ना जा फिर ना जा, तेरा मैं हूँ दीवाना। तुम लोग थिएटर पहुंचो और टिकट्स ले लेना, मैं आ जाऊंगी। ओके बाय। रुको रुको, हाय, कहाँ जा रहे हो? मुझे लग रहा है आप मुझे कोई और समझ रही हैं। मेरा नाम चंदू है। नाम तो बहुत अच्छा है, पर तुम जा कहाँ रहे हो? तेरा पीछा कर रहा हूँ, तुझे कैसे बताऊँ। हेलो। हाँ क्या? मैं यहाँ से पहले लेफ्ट जाऊंगा, फिर वहाँ से राइट जाऊंगा, वहाँ मुझे एक जरूरी काम है। ओह तो तुम बिजी हो, मुझे लगा फ्री होते तो मुझे लिफ्ट दे देते, पर कोई बात नहीं। अरे सुनो सुनो, बिजी हूँ लेकिन उतना भी नहीं जितना। बैठो ना, बैठो बैठो। ठीक है, कहाँ जाना है? वो फिल्म देखने। टिकट्स मिलते ही मेरी फ्रेंड्स मुझे कॉल करेंगी कि कौन से थिएटर आना है। मैंने काफी दिनों से कोई फिल्म ही नहीं देखी है, अगर हफ्ते में 3-4 बार फिल्म ना देखूँ ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा सुनो, तुम बाइक इतनी फास्ट क्यों चला रहे हो? स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक लगाना चाहते हो क्या? इतनी सारी चीजें एक साथ लड़कियां सोचती है, हम लड़के नहीं सोचते। वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा छोड़ो, सिगरेट है तुम्हारे पास? हाँ है। ओ, स्मोक भी करते हो तुम? नहीं नहीं, बस स्टाइल मारने के लिए। ये क्या है, इतना सस्ता वाला ब्रांड नहीं पीती हूँ मैं। वो पान वाले के पास रोकना जरा, जाओ और एक लाइट्स का पैकेट लेकर आओ। पागल। अच्छा भाई, एक लाइट्स का पैकेट देना। सर मीरा, लाइट्स खत्म हो गई है, कुछ और चलेगा? कुछ और दे दे यार। चलो अब जल्दी यहाँ से। पागल हो क्या, वहाँ सबके सामने चिल्लाया क्यों? मुझे लगा कि पीने में शर्म नहीं है तो बोलने में क्या शर्म होगी। वहाँ साइड में रोको। हफ्ते में 3-4 फिल्में देखती हो ना, उसमें नो स्मोकिंग की एड भी देखती होगी, आगे वाली एड में तुम भी हो सकती हो। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, छोड़ दो। हाँ, फिल्म देखने चलोगे? फिल्म देखने अभी तो नहीं आऊंगा। आऊंगा क्यों नहीं आऊंगा, आऊंगा। एक और लेना। हाँ Ah. Once again, he's got hold of that.
ये क्या बकवास है, कभी ठीक से नहीं खेलता बेकार प्लेयर। चेन्नई जीतेगी मेरे 2 करोड़। हाँ मुझे मंजूर है, तो लग गई। फोर रोक दिया उसकी तो। अरे तेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या, चैनल क्यों चेंज किया? वो तो खेलता नहीं, हम लोगों को देखने भी नहीं देता। अरे बदलो ना। तुझे 11 करोड़ देने हैं मुझे। 11 करोड़? 11 कैसे हुआ बे? वो मुंबई की बैट कौन जीता था? हाँ हाँ ठीक है, बाकी 8 तो तू मुझे दे देगा ना? हाँ दे दूंगा, कहीं भाग रहा हूँ क्या? पूरा 1 साल हो गया है। ये खा और मुंह बंद कर। अरे तुम लोगों के पास इतने पैसे हैं? अरे भाई क्या मजाक कर रहे हैं। हेलो भाई, राघव की बहन मिल गई है भाई। लड़की खूबसूरत है क्या? खूबसूरत है कि नहीं ये मैंने बराबर से देखा नहीं भाई। कम नहीं आती कहीं कमो। तुम दोनों टीवी देख रहे हो और वो वहाँ मेरे लिए पसीना बहा रहा है। अच्छा अब चुपचाप तू उस लड़की को फॉलो कर, तो उसका एड्रेस तुझे मिल जाएगा, फिर मुझे कॉल कर। क्या बात है, आजकल बहुत मैसेज खेल रहे हो, कोई खास है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं बताना है तो मत बताओ, लड़की डॉक्टर है क्या? हाँ? तुझे कैसे पता? बस गेस कर लिया, बिना पूछे कॉलेज ड्रॉप कर रहे हो और ड्रॉप करने के बाद जा भी नहीं रहे। इन्हीं हरकतों की वजह से शक हुआ, मैं कुछ हेल्प करूँ क्या? जरूरत नहीं है। नहीं, मामला सेट हो गया क्या? अभी नहीं। तो लड़की ने मना कर दिया? तो अपना काम कर। ओ, तो अब तक शुरुआत नहीं हुई। क्या करना है बताओ मुझे, कौन है वो लड़की? अगर नहीं बताऊं तो? बताओ वरना तुम्हें। भैया हाँ ये लड़की दोस्त हाय। हेलो भाई, उस लड़की का एड्रेस मिल गया, जल्दी आ जाइए, मैं यहीं इंतजार करूंगा। ए, तेरा काम सिर्फ एड्रेस बताना था, जब मैं पूछूंगा तब बताना। ठीक है भाई। और सुन, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता उसके घर पर नजर रखना, चल एड्रेस बता।
सही एड्रेस है ना? क्या मॉम, इतनी लेट क्यों हो गई? बैंक में ऑडिटिंग चल रही है इसलिए लेट हो गई। किससे मिलना है आपको? राघव कहाँ है? मुझे नहीं पता, उन्हें घर आए काफी दिन हो गए। पूरा घर छान मारो। भाई इधर तो कोई भी नहीं है। माँ जी, मेरे आने की खबर आपको पहले से ही लग गई थी क्या? जो तीन प्लेटें लगा रखी हैं, आइए साथ में खाना खाते हैं। आइए ना, बहुत भूख लगी है। माँ जी, मेरा नाम मकरंद है। लोकल ट्रेन में लोगों के पॉकेट मारा करता था, लेकिन आजकल बड़ी बड़ी बैंकों में डकैती करवाता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बेहिसाब कत्ल किए हैं मैंने। बहुत लोगों का जीना हराम किया है। जरा चटनी पास करना बेटा। शुक्रिया। आपको तो अच्छे से पता है कि राघव मेरे लिए काम करता था, हाल ही में उसने मुझे धोखा दिया है, ये भी आपको पता होगा ना? अब मैं अपनी ये बेकार की बकवास बंद करता हूँ। राघव कहाँ है बता दो, उससे बात करनी है मुझे। मुझे सच में नहीं पता। आप तो यही कहेंगी ना कि नहीं पता नहीं पता, नुकसान तो मेरा हुआ है ना, आपका थोड़ी। सुनो, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बार बार नहीं पूछूंगा, बता दो राघव कहाँ है? कहाँ है वो राघव? बताओ वरना काट दूंगा। राघव कहाँ है बोलो। बताती हूँ। हेलो राघव चोर, आवाज तो पहचान गया होगा ना? फोन नंबर तो तूने देखा ही होगा ना, मतलब तू समझ ही गया होगा कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ। 2 महीने से चोरी का प्लान मैंने बनाया, 2 महीने से, लेकिन 2 मिनट में पैसे लेके उड़ गया। क्या बात है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। 2 महीने चोरी का प्लान बैठकर मैंने बनाया और पैसे लेकर वो भाग गया। दुनिया में और बैंक नहीं है क्या? ए सुन। हाँ भाई। उस दूसरे गैंग वाले को बुला। हाँ ठीक है। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया भाई। अबे पकड़े जाने पर हर चोर यही डायलॉग मारता है, डायलॉग छोड़, मेरे पैसे कहाँ हैं? लाता हूँ। ये लीजिए भाई। एक घंटे पैसे गिन। एक बात बता, मुझे धोखा देने के बारे में तूने सोचा भी कैसे? मुझे माफ कर दो भाई, ये सब कुछ मैंने मजबूरी में भाई किया। माल पूरा है। चलो अब मैं चलता। राघव धोखा देने वाले को विलन कभी छोड़ता है क्या? हाँ नहीं छोड़ता। देखो माँ जी, धोखा देने के बाद भी अगर मैं इसको छोड़ देता ना, तो ये आदमी दिख रहे हैं ना, कल को ये भी मुझको धोखा देने की हिम्मत करते, मैं तो विलन जैसा दिखता भी नहीं हूँ। चाकू दिखाने से पहले तुम दोनों भी नहीं डर रहे थे ना, अगर इसे नहीं मारता तो ये लोग कैसे डरते बताइए? अगर इस बात की कंप्लेंट आपने पुलिस स्टेशन में की ना, तो मेरे ये आदमी आपके घर पहुंच जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। क्या बे, तेरा नया फोन किधर है? अरे वो कल फातिमा की मम्मी का बर्थडे है तो उसको सरप्राइज देना था, थोड़ा पैसा कम पड़ा तो मैंने भेज दिया। केक तो खाया होगा ना तूने? नहीं, उसने रखा है संभाल के, बोली अगले हफ्ते खिलाएगी। चल हट कर, तू नहीं सुधरने वाला। वैसे अब ये गराज कौन संभालेगा? उन्होंने 4 दिन के लिए मुझे संभालने को कहा है। चंदू आजकल बड़ा बिजी रहता है तू। हाँ यार, अंबानी के साथ डील करके आ रहा हूँ। ओ देखा, प्यार में क्या बढ़ गया, हम पर ही पंच मारने लगा है। मीरा को ड्रॉप करके आ रहे हो क्या, ये सोच रहे हो? मुझे कैसे पता चला? जब तूने सुबह मुझे फोन किया था मैंने क्या बोला था? सुनना चंदू, मुझे 2000 रुपए चाहिए। अभी तो मीरा को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, आते ही दे दूंगा। मैं भी यही बोलने वाला था पर तूने बजा दिया। ये देख, फातिमा का मिस यू मैसेज आया है। क्या बात है, तेरी लाइफ सेट हो गई यार। मतलब फातिमा पड़ गई ना? अरे मिस यू मतलब क्या हुआ, वो तेरे बिना रह नहीं पा रही है, जाके प्रपोज कर यार। क्या अभी?
अबे मौके पे चौका मारना चाहिए, तू यूं ही सोचते बैठेगा तो कोई और उड़ा ले जाएगा। अबे जा ना यार, मुझे डर लग रहा है। डर पो कहीं के, मेरे साथ रहकर अब तक कुछ सीखा नहीं। हट। मिस यू मतलब वो तेरे बिना रह नहीं पा रही है, जाके प्रपोज कर यार। ए सांबा चल। मैं नहीं आऊंगा, मैं बहुत बिजी हूँ। तुझे 2000 चाहिए थे ना? अरे हाँ चलो ना। अरे चलो चलो जल्दी चलो। अब आए ना लाइन पे। हेलो हेलो हेलो, सुबह का चाय का पैसा बाकी है। कितना? 10 रुपया। छुट्टा नहीं है तो फिर कल ले लेना। ए, रुको रुको, देता हूँ देता हूँ। हाँ छुट्टा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, उधार बढ़ाते रहते हो, ये लो तुम्हारे पैसे। अरे दे दे दे। क्या हुआ? मेरे पास 10 रुपये छुट्टा है। अरे तो पहले क्यों नहीं? मेरा 100 वापस कर। ये लो। चल अब कल मिलते हैं। ओके। क्या पता कब अकल आएगी। क्या बात कर रही है? हाँ। ये वापस क्यों आ गया? अभी अभी तो तुझे ड्रॉप करके गया था। उसके हाथ में ग्रीटिंग कार्ड है, लगता है तुम्हें प्रपोज करने आया है। मैं अभी आई। हाँ हाय। क्या हाय हाय, अभी बाय बोलकर गए थे ना, इतनी जल्दी वापस भी आ गए? क्या मतलब? अभी तो तुमने मिस यू का मैसेज भेजा ना। अरे तो उस वक्त मिस कर रही थी ना, अब तो बहुत टाइम हो गया। अच्छा कब? एक्चुअली कैंटीन में कॉफी पीते पीते ना सिगरेट पीने का मन कर रहा था। सिगरेट के लिए याद किया? ये क्या है दिखाओ। अरे बाप रे, मिस यू का मैसेज क्या भेजा? तुम तो सीधा मुझे प्रपोज करने आ गए। वो दरअसल, अच्छा हुआ प्रपोज नहीं किया, अगर किया होता तो ये तेरी फुलटू बैंड बजा देती। ये कार्ड मेरा नहीं है, इसका है, इसे किसी ने दिया है। इसको दिया? क्यों नहीं दे सकता? अच्छा हाँ। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, बाद में मिलती हूँ। बाय बाय, सी यू बाय। बाल बाल बचे, आज तो वाट लग जाती है। पता चला तो इज्जत का फलूदा हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? तुझे 2000 चाहिए। अरे ना? दो कहा, मैंने तो 4 कहा था। रिश्वत खोर। ये ले, ये बात भूल जा। कौन सी बात? हा? डेढ़ शाने। सर आप इसे नहीं ले जा सकते। अबे पर क्यों? अलाउड नहीं है सर। ये क्या बोल रहे बे? इसे वहाँ रख दीजिए, वो आपको टोकन दे देंगे। 10 लाख रुपए की पेटी में तुझे दूँ और तू मुझे 10 रुपए का टोकन देगा? 5 साल मेहनत करने के बाद भाई आज हम पर यकीन करते हैं, और अगर बैग वहाँ से चोरी हो गया तो यकीन खत्म। मैं ये बैग लेकर अंदर जाऊँगा क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा है। सुन, मुझे सेम टू सेम वैसा ही सूटकेस चाहिए। अच्छा मौका क्यों गवा दिया? वो मकरंद है बहुत बड़ा गुंडा, बाकी बात मैं बताता हूँ। ए, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कहाँ है वो? भाई वो उसी कमरे में है। काम हो जाने के बाद जब तक मेरे आदमी नहीं आ जाते हाँ। उन्हें वहीं हाँ, रोकना ठीक है? गुड। श्रुति फाइनल ईयर MBBS। ये 20 मिला के पूरे 80 हो गए हैं सर। हाँ। अरे छुटकी रो क्यों रही है? तेरी सीट के लिए डोनेशन दे दिया है, अब बस मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ। रोना बंद कर पगली। अच्छा वो मीरा कहाँ है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दी, कॉलेज में या फिल्म देखने गई? मुझे नहीं पता, उसे फोन कर लेता हूँ।
किसी ने सिखाया नहीं, सामने देखकर चलाना चाहिए। थैंक गॉड, बिल्कुल सही टाइम पे कॉल किया है तुमने। क्यों, क्या मुसीबत आ गई तुम पे? मेरी स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया, सोच ही रही थी कि कोई कॉल आ जाए मुझे। मेरी तरह तुम भी तो कॉल कर सकती थी ना। हाँ कर सकती थी, पर बैलेंस होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, बताओ कहाँ हो तुम? यही लिंकिंग रोड पर। ओके बाय। एक गधे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अब तुझे दिखता नहीं है क्या? स्कूटर पे थूक गया और इतना मस्त आइटम देखने से चूक गया? तमीज नहीं है क्या? अपने घर में भी ऐसे ही थूकते हो? देख, स्कूटर पर थूका तो इतना चिल्ला रही है, अगर इस पर थूकेंगे तो कितना चिल्लाएगी पता है? मुहूर्त देख के थूकेगा क्या? चल थूकना। बेटो, जब कोई गुंडा लड़की को छेड़ता है तो उसे बचाने के लिए हमेशा सलमान आएगा क्या? मैं नहीं आ सकता क्या? घंघराले बाल वाले झिंगर, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। एक बात बताना तो भूल ही गया, अब तक मैंने इस लड़की को प्रपोज भी नहीं किया। मैंने इसके साथ रोमांटिक सीन प्लान किया था और तुम लोगों ने एक्शन सीन करवा डाला। ये तुझे थूकने को कौन बोला था? सॉरी भाई। लड़की पर थूकने को कौन बोला था? अब जाने भी दो ना भाई, हड्डिया तो तोड़े ना आप, अब तो माफ कर दो। माफ नहीं कर सकता, ये प्यार का मामला है, इसलिए तुम सबको साफ करना पड़ेगा। चल बता, लड़की पे थूकने के लिए कौन बोला था? अबे बोल। कायर। टिकेट मुझे नहीं चाहिए, तू ही रख ले। ए, दिन दहाड़े लड़की को छेड़ना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी स्वच्छता अभियान चल रहा है, ऐसे रास्ते पर थूकना बंद करो। तो क्या नहीं किया तुमने अब तक? एक्चुअली वो एक मिनट, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है हॉस्पिटल में। कौन सा हॉस्पिटल? गांधी हॉस्पिटल। पापा को हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल जाना होगा। रुको मैं भी आती हूँ। चंद्रमोहन नाम का कोई पेशेंट एडमिट हुआ है? वो वहां है। आप लोग कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। इनका एंजियोग्राम किया है और इनकी हालत थोड़ी नाजुक है। अब क्या करें डॉक्टर? हार्ट में 4 ब्लॉकेजेस हैं, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। तो कीजिए ना डॉक्टर। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी एक कैदी हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स होम मिनिस्ट्री में भेज दी हैं, वहाँ से मंजूरी आने तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज खुद को संभालिए। सर, आपके पिताजी को होश आ गया। ओ, चलो चलते हैं। कैसा लग रहा है पापा? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, बस थोड़ा सा दर्द क्या हुआ, ये लोग ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो बोल के डरा रहे। तुम लोग घबराओ मत। तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही है। सुनिए, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। ठीक है।
अभी आता हूँ छुटकी। बैठिए। होम मिनिस्टर का पीए मेरा दोस्त है, अभी मैंने उससे बात की है तुम्हारे पिताजी के बारे में। कल सुबह जाकर तुम उनसे मिल लेना और अगर तुमसे कुछ मांगे तो दे भी देना। ठीक है डॉक्टर। क्योंकि इससे तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन जल्दी हो जाएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। वेलकम। होम मिनिस्टर के पीए से मिलना है। साहब उधर है। कौन हो तुम? मुझे डॉक्टर भास्कर ने भेजा है सर। ओ, वो बाईपास सर्जरी है ना? करीबन 5 लाख खर्चा होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कैश रेडी हो जाए तो कॉल करना। ठीक है सर। ओके, बाय। मैं आज होम मिनिस्टर के पीए से मिलकर आया। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के लिए मंजूरी चाहिए तो 5 लाख देने होंगे, और प्रॉब्लम यह है कि मैंने कल सारे पैसे फीस के लिए भर दिए हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये 5 लाख कहां से लाऊं। अरे अरे, तू क्यों रो रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मेरा, तुम छुटकी को यहां से ले जाओ। कम ऑन, रो मत। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पापा को कुछ नहीं होगा, मैं पैसे ले आऊंगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा ये 5 लाख कहां से लाऊं। सुनिए सिस्टर, वो तीसरे नंबर बेड वाले को टैबलेट पानी में घोल के दे देना। एक काम कर, जाकर विटामिन बी के 200 टैबलेट्स खरीद के आ। पर क्यों? बताता हूँ। और हाँ, तो उर्वशी बार वाले को कॉल कर। ए, कहाँ है तू? लेकर आया ना? लाया हूं, पहले माल दिखा। बैठे रहो वरना गोली मार दूंगा। हा? सर, हमारी इंफॉर्मेशन सही थी, हमने ड्रग डीलर को रंगे हाथ पकड़ लिया है। सर, हमारा एक आदमी मारा गया, जल्दी हमें बैकअप भेजिए। एक्टिंग की है तूने, कमाल। ए, साइरन बंद कर रहे। अरे मैंने तो कब का बंद कर दिया। चंदू, वो इंस्पेक्टर रिचर्ड आ रहा है। ए, तुम लोग दफा हो जाओ। अरे चल चल। अरे पीछे के रास्ते से भागो। ए, रुक जा। ए, पकड़ो उसे, चलो जल्दी।
हेलो। ए, कहाँ है तू? मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं गांधी हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। पाटिल, दाल में कुछ काला लग रहा है, यू टर्न लो और गांधी हॉस्पिटल चलो। खाली है, जल्दी भगाओ। तू, तेरा ही वेट कर रहा हूं, जल्दी आ। सर, अपने एरिया में चोरी हुई है, कमिश्नर साहब का फोन था, हम वहां पहुंच रहे हैं। ओवर। चल ठीक है, बाय। अच्छा सुनो, वहां नाकाबंदी कर दो। हेलो। बोलो। सर मैं चंदू बात कर रहा हूँ, बाईपास सर्जरी के लिए आपने 5 लाख मांगे थे ना? हाँ, बोलो। सर कैश तैयार है, मैं कहाँ लेकर आऊँ? ग्रीन पार्क के पास का रेजर टावर पता है? हाँ पता है सर। वहाँ तुम पहुँच जाओ, फ्लैट नंबर 901। ठीक है सर, पहुँच जाऊँगा। अरे तुम यहाँ? ये रहे 5 लाख रुपए, जाओ जमा कर दो। ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? मेरी मॉम ने दिए हैं, उन्हें ऑपरेशन के बारे में बताया था, अब जाओ जल्दी। मेरा पैसों का इंतजाम हो गया है, इसकी जरूरत नहीं है, पर थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। It's okay. Meera. Thank you so much. तू यहाँ क्यों भटक रहे बे? वैसे इस बिल्डिंग में एक छोटा सा काम है, इसलिए आया हूँ। हे, चेक करे इसे। मुंह बंद रखने का 5,000 दूंगा। कुछ भी नहीं है साहब। ठीक है बैठो।
90910 कहाँ है? घर पर हूँ, अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। जल्दी से गैराज के पास आ जा। ओके। छुट्टा नहीं है? हाँ कोई बात नहीं, रख ले तू। भाई किसी ने उन दोनों को डपका डाला और पैसे लेकर भाग गया। ओ तेरी, शहर में इतने सारे बैंक्स हैं, फिर भी सबको मेरा ही पैसा क्यों चाहिए? मेरे उन चोरों को किसी ने उड़ा दिया, अब मैं और चोर कहां से लाऊंगा? हम दोनों है ना भाई। अच्छा तुम दोनों तो निकम्मे हो, मेरा पैसा तो तुम बचा नहीं सके, लेकिन चोरी करने वाले को देखा क्या? भाई मैं उसे ठीक से देख तो नहीं पाया, लेकिन ऑटो का नंबर याद है मुझे। जब तुझे उस ऑटो का नंबर पता था तो इतनी देर से मेरा दिमाग क्यों खा रहा था तू? इसने कहा भाई को बोलने से पहले बातें मुझे बताया करो, कहता है मैं गैंग का लीडर हूँ। इसका दिमाग खराब है, लगता है तुम लोग अब यूनियन बनाओगे। पहले जाओ और उस ऑटो को ढूंढो, और मिल जाए तो मेरे पास लेकर आना। हाँ भाई। अरे जाओ ना। दो चाय बोली थी भाई, सोचा पीकर निकलते हैं। दो सेकंड में यहाँ से दफा हो जाओ, भैंस की औलाद हो। कितना भड़कते हो। मैं वहां पैसे देने गया था। होम मिनिस्टर के पीए से मिलने गया था, तब मैंने सुना। तेरे आदमी को अच्छे बर्ताव के बिना पर 15 अगस्त को मैं रिहा करवा दूंगा, लेकिन पूरा 2 करोड़ लगेगा। मुझे उस फ्लैट से 2 करोड़ मिले हैं। मैं ये पैसे पीए को देकर 15 अगस्त के दिन अपने डैड को छुड़वाने के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, पीए साहब को फोन लगा। हेलो सर, आपसे एक जरूरी काम है। यही है वो ऑटो वाला। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? कुछ नहीं मेरे भाई, बस तेरा हालचाल पूछने बुलाया था। हालचाल बिल्कुल ठीक है। ए, मेरी बात ध्यान से सुन। परसों दोपहर को रहेजा टावर्स के पास ठीक 2 बजे एक लड़का बैग लेकर तेरे ऑटो में बैठा। कहाँ उतरा वो लड़का? सर दिन में कई लोग चढ़ते और उतरते, आखिर मुझे कैसे याद रहेगा कि वहाँ पे कौन चढ़ा और कौन उतरा? मुझे मालूम था तू नहीं बताएगा। ए बंदूक दे जरा। अब बोल, तेरे लिए सवाल फिर से दोहराता हूँ। उस दिन रहेजा टावर्स के पास। सर याद आ गया, उस दिन मीटर 150 हुआ था लेकिन उसने 500 दिया। 500 क्या, 5000 भी देगा? उसके बाप का क्या जा रहा है? रास्ते में उसने एक लड़की को भी पिकअप किया था, वो लड़की गैरेज के पास खड़ी हुई थी। मैंने उन दोनों को गांधी हॉस्पिटल छोड़ा सर। ए, तो 3 लोगों को लेकर गांधी हॉस्पिटल जा और बाकी मेरे साथ गैरेज पर चलो। जाके क्या करेगा बेटा? उसे ढूंढेंगे और क्या, मिला तो ठीक, नहीं तो गैरेज के बाजू में वो चाय वाला है ना, उसकी चाय ना मस्त है, चाय बिस्किट खा के आ जाएंगे। ऐसा है तो हम भी वहीं आ जाएंगे। ए, पैसा कम है रे। अच्छा बताओ, पता है वो असल में दिखता भी कैसा है?
नहीं पता भाई। तू तो उस लड़के को पहचानेगा ना? हाँ पहचान लूंगा। इसे साथ ले जाओ, काम आसान हो जाएगा। मिलते ही उसे मार दूं ना भाई? अरे नहीं, वो 2 करोड़ हाथ आने दे, मैं खुद ही उसे जान से मार दूंगा। चलो निकलो। चलो रे। ऑपरेशन खत्म होने में अभी 3-4 घंटे और है, तब तक तुम दोनों कुछ खा लो। ठीक है, तो भी साथ चल। इट्स ओके, मुझे अभी भूख नहीं है। सच में? हाँ सच में, तुम जा। चलो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? क्यों घूर रहे हो मुझे? तुम ही बताओ, सच सुनना चाहती हो या झूठ? पहले झूठ बोल दो। आई लव यू। ये कब हुआ? पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अच्छा, तो उस दिन जब तुम उन गुंडों को मार रहे थे और कह रहे थे कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी झूठ ही था ना? प्यार तो मैं तुमसे तब भी करता था, लेकिन जब पापा के बारे में पता चला और उसी वक्त तुम मेरे साथ आ गई तो लगा जैसे तुम मेरी अपनी हो। तभी मैंने सोच लिया कि चाहे तुम मुझे प्यार करो ना करो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। ये भी झूठी है ना? हाँ हाँ ये भी झूठी है। क्यों, तुम सच मान बैठी क्या? हेलो, कहाँ है तू? मैं गांधी हॉस्पिटल में हूँ सर। तुझसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, मेट्रो के पास आ जा। मीरा तुम छुटकी के साथ रहो, मैं अभी आता हूँ। ओके। मुझे लगा तू सूट बूट पहनकर बॉडीगार्ड्स के साथ आएगा, पर तू तो आज भी बाइक पे आया। सर ये फालतू की बात छोड़िए ना, बताइए क्यों बुलाया? जब तू हजारों की चोरी करता था तो ठीक ठाक कमीशन देता था, और अब करोड़ों की चोरी करने के बाद टांग दे रहा है, सुनकर शॉक लगा। उन दोनों को मारकर पूरे पैसे लेकर भाग गया तू, मेरे बारे में भूल गया क्या? ये आपकी बकवास मेरी समझ के बाहर है। समझ में आएगा तो मुझे भी देना पड़ेगा ना। उस दिन मैंने तुझे उस बिल्डिंग के पास देखा था, क्या कर रहा था वहाँ पर? सर मैं उस बिल्डिंग के पास होम मिनिस्टर के पीए से मिलने गया था, आप चाहें तो उन्हें फोन करके पूछ सकते हैं। चुपचाप मेरा हिस्सा दे दे, वरना सारी की सारी गोलियां तुझमें उतार दूंगा, समझा क्या? ठीक है, मुझे बस 5 मिनट दीजिए। हेलो सर, मैं चंदू बोल रहा हूँ। सर तुम बेवजह उस चंदू को परेशान क्यों कर सर, रहे हो? वो मेरा मतलब क्या मतलब मतलब वो होम मिनिस्टर का खास है, फौरन छोड़ो उसे। सर हाल ही में हुई बैंक रॉबरी में ये भी शामिल था। सबूत है तुम्हारे पास? सर थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो। बकवास बंद करो और उस चंदू को फौरन छोड़ो। ओके सर। मुझे शान पट्टी दिखा रहा है। जी सर। इस पर नजर रखनी होगी। अपने आदमी इसके पीछे लगा दो। इधर से पिक किया? हाँ यही से। सुनिए, कल एक ब्लैक ड्रेस वाली लड़की ने ऑटो पकड़ा था यहाँ से। नहीं देखा। यही जगह है ना? हाँ यही जगह है। जरा ठीक से याद कीजिए ना। हम दिन भर तो यहीं रहते, हमने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा। वो हॉस्पिटल कितना दूर है? यहीं पास में ही। चलो। ये लोग पक्का चंदू को ही ढूंढ रहे। चंदू कहाँ होगा? पापा होम मिनिस्टर के पीए से मेरी पहचान है, आपके बारे में उनसे बात की है, वो इस 15 अगस्त के दिन आपको रिहा करवाने की कोशिश करेंगे, सब ठीक हो जाएगा पापा। हाँ याद है। तेरे से एक जरूरी बात करनी, जरा बाहर आ। बोल क्या हुआ है?
वो मकरन के आदमी तुझे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। मकरन के आदमी? हाँ। लेकिन क्यों? नहीं पता, उस दिन तू जिस ऑटो में गया था ना, वो ऑटो वाला उन्हें यहाँ ला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसे तुझे मिले थे वो मकरन के हैं? छुटकी, एक जरूरी काम है, बाहर आना। चल आप फिक्र मत कीजिए पापा, हम अभी आते हैं। ठीक है, आप आराम कीजिए। हाँ चलो। क्या मेरा, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय, इस तरफ आओ जल्दी। ए, उस तरफ देखो। चलो चलो, आज तक किसी मामले को घर तक नहीं जाने दिया और ये बात बहन तक पहुंच गई। ये मामला कैसे भी सेटल करना पड़ेगा। सुन, तेरा वो दोस्त नकली नोट बनाता है ना? हाँ, डुप्लीकेट राजा। हाँ, अभी उसे फोन कर। उसे फोन क्यों कर रहा है? पहले हम डुप्लीकेट राजा को कुछ पैसे देंगे और उसके बदले में नकली 2 करोड़ लेंगे। तुझे उससे क्या काम? अबे फोन लगा कि नहीं? बिजी टोन आ रहा है। अरे तू मुझे कुछ बताएगा भी या नहीं? नकली पैसे लेके मकरंद के पास जाएंगे। उसे कहेंगे, भाई हमें पता नहीं था ये पैसे आपके हैं, और पैसे लौटाने के लिए हम उसे किसी कॉफी शॉप पर बुलाएंगे। जैसे वो आएगा, उसके हाथों में नकली नोट का बैग थमा देंगे, और आसपास पब्लिक होने की वजह से वो पैसे ठीक से चेक नहीं करेगा, जिससे उसे पता नहीं चलेगा कि वो नोट नकली है। वो बैग लेकर बाहर निकलेगा और तुम दोनों आकर उस बैग को छीन कर निकल जाओगे। उन्हें शक ना हो इसलिए मैं भी तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे भागूंगा। बस उसके बाद क्या, हमेशा के लिए मकरंद से पीछा छूट जाएगा। तूने तो क्या जबरदस्त प्लान बनाया मेरे भाई। एक मिनट। हेलो। हाँ कौन? मैं चंदू बोल रहा हूँ, असलम का दोस्त। बोल। 2 करोड़ के नकली नोट चाहिए। 2 करोड़? पर क्यों? तुझे क्या करना है? 20 लाख डिपॉजिट और 5 लाख भाड़ा लगेगा। ओके, कल अड्डे पे आ जाना। सर, चंदू डुप्लीकेट राजा से कुछ बात कर रहा था, लगता है कल उनके बीच कोई डील है। उसके पास तो काफी पैसे हैं, नकली नोटों का क्या करेगा वो? डुप्लीकेट राजा कहाँ है? वो तो अपने अड्डे पर होगा सर। अगर हमारे प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो वो पैसे मकरन को दे देंगे, उससे जान छुड़ा लेंगे। लेकिन सब सोच समझ के करना चंदू। मेरा, मैं बाद में फोन करता हूँ भाई। आई हेट यू। ये मीरा मुझे ऐसे मैसेज क्यों भेज रही है? आज उसका बर्थडे है, तूने विश नहीं किया क्या? हाँ मॉम, देखती हूँ। कौन है मीरा? बोलो कि कोई एड्रेस पूछने आया है। चंदू है माँ। मिलने आई हो इसके लिए थैंक्स। तुम्हें एक बात बतानी है, अगर नसीब ने साथ दिया तो इनमें से एक लड़की के साथ सेटल हो जाऊंगा। आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए कह देता हूँ तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चंदू। क्या? कहीं घूमने चलें क्या? ओके। देखा जाना मैं तो खो गया हूँ, गया हूँ, गया हूँ। बेकरारी बढ़ती जाए आशिकाना मस्तियों में मैं तो खो गया हूँ, गया हूँ, गया हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ ना,
थोड़ा पलट के देखो ना, पीछे चले है दीवाना, न कोई तेरे जैसा दूसरा बना। हाय 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 मेरी जान इधर देखो, तू प्यारी 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 मेरी प्यारी मान जा, ऐसे 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 वैसे प्यार मैं करूँगा तुझको रे रे ना। देखने से मेरी तो जान ही निकल जाए, यहाँ मुझको बचा लेना, तू मिली मिली मुझको तो क्या करना। मैं तो मर ही गया वो चली देखो जरा। हाय 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 मेरी जान इधर देखो, प्यारी 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 मेरी प्यारी मान जा, ऐसे 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 वैसे प्यार मैं करूँगा तुझको रे रे ना। मेरी बन जा जान जा सारा वार दूजा, मेरी बन जा जान जा, मैंने तेरे लिए क्या क्या जतन किए। हाय 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 मेरी जान इधर देखो, तू प्यारी 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 मेरी प्यारी मान जा, ऐसे 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 वैसे प्यार मैं करूँगा तुझको रे रे ना। सुन तो रुक मैं आता हूं। कितना माल चाहिए? बोला ना 2 करोड़ चाहिए। मेरा माल लाया। ए, पैसे पैक करो। हेलो, हम यहाँ पहुँच गए। वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। नकली नोट लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लेना उसे, समझ गए ना? चंदू, पुलिस वाले आ गए। चल जल्दी। ए, अगर तू नहीं पकड़ा गया ना तो वो मुझे टपका देंगे। हाँ तो मर जाना, वैसे भी जिंदा रह के क्या उखाड़ेगा। पुलिस वाले अंदर आके भाग यहां से। ए, पकड़ो उसे।
पकड़ो उसे। सर चंदू यहां से भाग गया। रोक दे। ए चंदू ये बैग मुझे दे। सोचा था नकली नोटों के साथ रंगे हाथ तुझे पकड़ लूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम असली पैसे तो मिल गए। अच्छा अब शाणी ये तो बता, ये पैसे आखिर तू लाया कहाँ से? अभी अभी बैंक से विड्रॉ किया मैंने। अच्छा अच्छा बैंक से विड्रॉ किया क्या? हाँ तो फिर ठीक है, रिसिट दिखा और पैसे ले जा। इंस्पेक्टर क्यों आया था और किस चीज के लिए वार्निंग दे रहा था? चंदू ये क्या हो रहा है? मीरा तुम्हें एक बात बतानी है, मेरे पिताजी जेल में क्यों हैं और मैं करता क्या हूँ ये तुमने कभी नहीं पूछा, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। हम एक छोटे से गांव में रहते थे, वहाँ पापा टैक्सी चलाते थे, मेरी माँ अक्सर बीमार रहा करती थी, वहाँ उनका इलाज करने लायक कोई अस्पताल नहीं था और शहर जाकर इलाज करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और गांव के डॉक्टर्स जो दवाई देते थे उनका माँ पे कोई असर नहीं होता था। पापा दिन भर काम करके हमारी देखभाल करने के अलावा माँ का भी ख्याल रखते थे। मेरे पिताजी पर क्या बीत रही थी तुम अच्छी तरह समझ सकती हो, लेकिन पिताजी ने हम पर किसी तकलीफ का साया तक नहीं पड़ने दिया। पिताजी हम दोनों को खूब पढ़ाना चाहते थे, हमें किसी चीज की कमी तक महसूस नहीं होने देते थे। छुटकी ने बचपन से माँ को बीमार हालत में देखा और ये फैसला किया कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन एक दिन हाँ मालिक इधर आ। हाँ एक जरूरी काम से शहर जाना है। ठीक है मेरे बेटे को भी लाता हूँ साहब। उसे क्यों ला रहे हो? उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाना है। जा जल्दी लेकर आ। कल मैं एमएलए के पास से पैसे लेने के लिए शहर जा रहा हूँ और लौटते समय तू जहाँ बोलेगा वहाँ गाड़ी रोकूंगा, बहाना करके गाड़ी से उतर जाऊंगा, पीछे से ट्रक भेज के गाड़ी को उड़वा देना। ड्राइवर को मारेंगे और उसकी लाश को गायब कर देंगे और ऐसा दिखाएंगे कि वो पैसे लेकर भाग रहा था, फिर चोरी का माल आपस में आधा आधा बांट लेंगे। माफ कर दे यार, इसे मार कर लाश ठिकाने लगा देंगे और पैसे आधे आधे बांट लेंगे, यही प्लान था ना तेरा? लेकिन तुझे टपका कर पुलिस वालों को 1,00,000 दिया तो पूरा का पूरा माल मेरा। सर जी ये लीजिए आपका रोकड़ा। उसने पुलिस के आने से पहले ही पैसे चुरा लिए और चोरी का इल्जाम मेरे पापा पर लगा दिया, जिसकी वजह से उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई और इस हादसे के कुछ ही दिन बाद मेरी मां चल बसी। हमारे पास अनाथाश्रम जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। यहाँ क्या कर रही है तू? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। किस लिए? तुझे झाड़ू लगाने बोला था ना, वो कर चल। मुझे एहसास हो गया कि यहाँ रहने से बहन की पढ़ाई नहीं हो सकती, इसलिए मैंने अपनी बहन को लेकर वहाँ से भाग जाने का फैसला किया। पर सिर्फ हम दोनों ही नहीं भागे, हमारे साथ एक और भी था। अरे ताजा माल है साहब। अरे लेकिन बहुत महंगा दे रहे हो, थोड़ा भाव तो कम करो। भैया मुझे वो खाना है। अरे सुन इसके लिए अमरूद लेकर आ। सुनिए भैया जी मुझे अमरूद दीजिए ना। अरे भैया दो ना। पैसा दा। अभी तो दिए थे। अरे कब दिया पैसा तुम? दुनिया ने ही सिखाया कि ईमानदारी शब्द सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में ईमानदारी जैसा कुछ होता ही नहीं। और उस दिन से मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ,
हर चोरी के पीछे दो लोग होते हैं, एक वो जो चोरी करता है और दूसरा वो जिसका माल चोरी होता है। और मैं कभी भी दूसरा वाला नहीं बनना चाहता था, और ऐसे ही शुरू हुई मेरी कहानी। 300 रुपए निकालो। और उस दिन से आज तक मैं इसी तरह पैसे कमा रहा हूँ और अपनी बहन का डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रहा हूँ। हेलो, ए, मेरे साथ खेल खेल रहे क्या? क्यों, क्या हुआ सर? शान पत्ती मत कर, 4 दिन में तेरा बाप रिहा होने वाला था ना, आखिर वो हॉस्पिटल से क्यों भागा? मेरे पापा भाग गए? सर आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। मीरा, हॉस्पिटल जाना होगा। सर, ए, कहाँ है तेरा बाप? मैं तो लौटा और देखा आपके पिताजी और बहन दोनों गायब थे। पूरा हॉस्पिटल छान मारा पर वो कहीं नहीं मिले। मेरे लाल, तेरे पिताश्री और बहन मेरे पास है, चलो जल्दी जल्दी पैसे लेकर आ जा। सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं पापा को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। तेरे बाप को रिहा करने के लिए सारे कागजात तैयार कर दिए मैंने, 4 दिन में वो वापस जेल में आ जाना चाहिए। तब तक ये मामले को मैं किसी भी तरह संभाल लूंगा। ओके सर। अगर तेरा बाप वापस नहीं आया ना तो तुझे तेरे 2 करोड़ वापस नहीं मिलेंगे, समझ गया क्या? सुन, ठीक 3 बजे मैं यहाँ आऊंगा, अगर वो मुझे यहाँ नहीं मिला तो मैं तुझे ठोक दूंगा। पागल हो गया क्या? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है पापा, उसी की वजह से आज आप जेल में हैं। हाँ तो क्या उसे मारकर तू भी जेल में आना चाहता है? ये लड़ाई झगड़ा छोड़ और अपनी बहन को डॉक्टर बनाने के लिए मेहनत कर। सुन, वो कौन है मुझे नहीं पता, मैंने उसका चेहरा तक ठीक से नहीं देखा। भूल जा इस सबको, वादा कर तू उसे फिर नहीं उलझेगा, वादा करना बेटा। ठीक है पापा। पापा, चंदू। अबे तू खाली हाथ क्यों आया, पैसे कहाँ हैं? भाई वो क्या, एक ही बार में टपका डालूंगा तेरे बाप को। मेरे आदमियों को मारा और मेरे पैसे लेकर भाग गया। मैं वहां पहुंचा तब वो दोनों पहले से मर चुके थे। तो मेरे पैसे कहाँ हैं? बताओ पैसे कहाँ हैं? होम मिनिस्टर को दिया भाई। ओ, वो मेरे पैसों से आने वाला चुनाव लड़ना चाहता है? नहीं भाई, वो पैसे मैंने अपने पापा को जेल से छुड़वाने के लिए दिए हैं, सच कह रहा हूँ। क्या बात है, तेरा बाप बाहर आएगा, तू खुशियां मनाएगा और मैं रोऊंगा, पागल समझा है क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ भी करके आपके पैसे लौटा दूंगा, इन्हें छोड़ दीजिए भाई प्लीज। अच्छा चल चल ठीक है, मैं तुझे 4 दिन का टाइम देता हूँ, अगर पैसे नहीं मिले तो ये दोनों उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में मिलेंगे, फिर ऊपर जाकर मिलना इनसे। पापा मुझे माफ कर दीजिए, बस कुछ ही दिनों की बात है पापा, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर तू इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगा बेटा? मैं ले आऊंगा पापा, प्लीज मुझ पर यकीन रखिए, पापा का ख्याल रखना। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद हमारा पीछा कर रहे हैं। चलो। क्या कहा उसने? 4 दिन में पैसे नहीं दिए तो पापा को मार डालेगा। तो अब हम क्या करेंगे? पहले इन मामुओं से पीछा छुड़ाते हैं। इतना लेट क्यों हो गया तू? उन पुलिस वालों को भटकाने में काफी वक्त लग गया। अब हम 2 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? एक प्लान बनाया मैंने, बस अब हमें एक बकरे की जरूरत है। अब हम बकरा कहां ढूंढेंगे? जो भी मुसीबत में हो उसे बचाना इनका स्टाइल है।
ये इकलौते ऐसे स्टार हैं जिन्होंने कम से कम 10 से 15 सालों से एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। अब आप सबका इंतजार खत्म होने वाला है दोस्तों। वो आ ही रहे हैं। यस, वो है आज के सुपरस्टार और कमाल के कलाकार, हमारे अपने मिस्टर बुलेट बाबू। ये कब आई? सुबह की फ्लाइट से आई सर। बुलेट बाबू के गाने पर अब परफॉर्म करने वाले हैं मयूरेश। हमारे बुलेट बाबू को हैंडल करने के लिए सिर्फ एक डायरेक्टर काफी नहीं है और इसीलिए इस फिल्म को दो दो डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। सो वेलकम पीटर एंड जैक्सन, साथ में अपनी फिल्म के हीरोइन को भी लाइएगा। चलिए। अब हमारे यंग एंड रोमांटिक हीरो बुलेट बाबू को बुलाएंगे। ये जरा रुक जाइए दोस्तों, उनके बारे में एक बात और बतानी है आप सबको। हीरोइन छेड़ने वाला किस्सा बताएगी क्या? क्यों, आपने छेड़ा था क्या? अरे अरे यार, चार बार बारहवीं फेल होने के बाद इन्हें सदमा लगा और शोले देखने के बाद इन्होंने अमित जी जितना बड़ा बनने का सपना देखा। आप इतने बुड्ढे हैं। अबे तू चुप बैठना। अगर हम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तो पता नहीं सब लोगों को क्या क्या बता देगी ये। ओके 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 ओके, बस कर मैं हटो हटो। स्वागत कीजिए हमारे बुलेट बाबू का। आइए सर आइए। अच्छा तो सर, आपके फैंस आपकी बातें सुनने के लिए बेताब हैं। डरिए मत सर। अभी डरा तो? पता है ना पटाखों से डर लगता है। किसने लगाया था? मैंने नहीं, उन्होंने लगाया। अभी अभी जो एंकर ने कहा, उसने घबराहट में कहा वो फिल्म शोले नहीं थी, डीडीएलजे थी। उस वक्त मैं 7th स्टैंडर्ड में था। सर आप ज्यादा मत बोलिए वरना पोल खुल जाएगी। ओ सर, आपके फैंस को आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं समझ गया, आप लोग डायलॉग सुनना चाहते हैं। कौन सा डायलॉग सुनना है? बोलिए सर, कोई डायलॉग बोलिए सर। कोई घिसा पिटा डायलॉग बोल दीजिए ना। मैंने अच्छे डायलॉग बोले ही कब हैं? हे, तेरे ब्रेक मारने से गाड़ी रुकती होगी, मेरे ब्रेक मारने से धरती रुक जाती है। हर बार यही डायलॉग बोलता है, दूसरा डायलॉग आता ही कहाँ है इसे। मैक्स मीडिया प्रेजेंट्स आक्रमण मूवी की ऑडियो सीडी रिलीज करने के लिए हम हमारे स्टार बुलेट बाबू को रिक्वेस्ट करेंगे। आज के हमारे इस फंक्शन में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट। हवेली पे आ जाना। हाँ ठीक है सर। अरे हटो हटो पीछे हटो। यही है हमारा बकरा, इससे मिलने की तैयारी करो। ये नहीं हो सकता। क्यों? मैंने एक पिक्चर में इसके साथ काम किया है, लड़की हो तो आसानी से मिलता है। क्या? परसों तुमने मुझसे आई लव यू कहा, कल बताया कि तुम एक चोर हो और आज कह रहे हो कि हम दोनों मिलकर फ्रॉड करते हैं। दिमाग खराब है क्या? लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं, शादी करने की सोचते हैं, लेकिन तुम तो मुझे जेल पहुंचाना चाहते हो और तुम्हें पूछते हुए शर्म भी नहीं आ रही। मीरा मीरा मीरा, क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और रात का फंक्शन कैसा था? एकदम धवाल। इतने पैसे खर्च करके लोगों को लेके जाएंगे तो अच्छा ही होगा ना सर। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कह रहे हैं? रिलीज होना भी मुश्किल है, इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है। हम जैसे बड़े हीरो का भी ये हाल है, सोचो। ये पुरानी बात है, आपकी लास्ट चारों फिल्में फ्लॉप हो चुकी है। हाँ, जानता हूँ मैं। बार बार एक ही बात बोलने की जरूरत है क्या? हीरोइन कहाँ है? वो होटल में है सर, उसकी माँ भी वही है सर। उसकी माँ की बड़ी चिंता है तुझे, जब देखो मामा करता है। अबे तू इधर आ। हाँ।
मेरे और हीरोइन के लिए दो टिकट टर्की की बुक कर दे, थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। लेकिन सर। हाँ क्या है? रात को आइटम सॉन्ग शूट करना है सर, उसके लिए पैसे दीजिए। हाँ, ना सर। कहा ना उसके लिए पैसे नहीं है सर, वो आइस फैक्ट्री बेच दिया क्या? वो भी गई हाथ से? आजकल कुछ ज्यादा ही कड़की चल रही है, क्या करें। सुन तो, तू बता सकता है इस मुसीबत से कैसे बचा जाए? सर एक लड़का आपसे मिलने आया है। उसे बोलते सर के पास टाइम नहीं है। उसके साथ एक लड़की भी है सर। कन्या है? आने दे आने दे आने दे। आ जाओ। अरे रुक 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 रुक, तुम लोग जाओ ना यहाँ से, काम धंधा नहीं है क्या? ठीक है सर। ओके आ जाओ आ जाओ। गुस्सा छोड़ो और मुस्कुराओ, चलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आए हैं। लड़की है इसलिए मिलने के लिए राजी हो गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से क्यों आए हो? कुछ नहीं सर, एक छोटा सा काम है, बैंड्रा में एक साइट है। ये लड़की मैटर जानती है? हाँ जानती है सर। तो आगे की बात तुम बताओ, कोई गलती हुई तो तुम बता देना। तू थोड़ा उधर खिसक। हाँ ओके ओके बताओ। बैंड्रा में 2 एकड़ जमीन है, कीमत मेरे ख्याल से 40-50 करोड़ होगी। 40-50 करोड़ रुपया? अभी मेरे पास उतना कैश नहीं है। फिल्म बिक जाए तो खरीद लूंगा। नहीं नहीं, खरीदना नहीं है सर। तो? वो आपकी ही है, बस हम यही बताने आए थे। बांद्रा में एक जमीन है और उसका मालिक मैं हूँ। हाँ। सुना क्या? मुझे तो उस जमीन के बारे में पता ही नहीं था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सर ये एक बार देख लीजिए प्लीज, देख लीजिए। क्या ये? देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये क्या कर? कुछ नहीं सर, आपकी फैमिली के बारे में। ओके ओके। आपके दादाजी की 2 बीवियां थी, एक मर गई थी और दूसरी भाग गई थी सर। मैं किसकी तरफ से हूँ? मतलब जो बीवी गुजर गई उनकी कोई औलाद नहीं थी तो। समझ गया, मैं समझ गया। भागने वाले की साइड से हूँ मैं। जो मर गई थी उन्हें दहेज में ये साइट मिली थी, तो ये 2 एकड़ की साइट आप ही की हुई ना सर? ओह इसके पेपर्स तो है ना? है ना सर, है, ऑफिस में है पेपर्स। जब हम वापस आएंगे तो पेपर्स साथ में लेकर आएंगे। आप एक काम करिए, आप पेपर्स लेकर आइए, मैं इंतजार करूंगा। सिर्फ पेपर्स का नहीं, सच कहूं तो आपका। बाय सर। क्या पीस है। अबे चपड़ गंजू, लड़की दिखने में मस्त है। जी सर। इसको ब्रेक दे दें क्या? वो कॉस्ट्यूम और वीक वाला पैसों के लिए फोन कर रहा है। कर रहा तो करने देना, मूड की मां बहन बात कर। लड़की अभी अभी बता कर गई है 40-50 करोड़ आएंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा। अरे जी राजा मौली को फोन कर। तो क्यों सर, बाहुबली 3 में उसके साथ मैं काम करने को तैयार हूँ। उसके बाद वो किसी के साथ काम करने के लायक नहीं रहेंगे। सर वो चंदू है ना, बुलेट बाबू को जमीन बेचने का प्लान बना रहा है, उसके साथ एक लड़की भी है सर। क्या कहा, लड़की? उस लड़की की डिटेल्स? सारी डिटेल्स मेरे पास हैं सर। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? तेरी माँ बैंक में ऑडिटर है और तू डॉक्टर बनने वाली है, तो तेरा उन चोरों के साथ क्या लेना देना है बता मुझे। सर आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसे पहचानती हो? नहीं। अब बताओ, देखो उन बदमाशों को तो अंदर जाना ही है, तुम मेरी मदद करो वरना मैं कोई ना कोई पेंडिंग केस खोलकर तुझे उसमें फंसा दूंगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी और तेरा करियर भी खत्म हो जाएगा। सुनकर हैरानी हो रही है क्या? ये मेरा रोज का काम है, अब तू मुंह खोलेगी या मैं केस खोल दूं? नहीं सर, मैं बताती हूँ। सुन मेरा एक काम कर, इस पर और उस बुलेट बाबू पर कड़ी नजर रखना। ओके सर। एक एंडे। हाँ भाई। उससे बात करके 3 दिन हो गए ना। हाँ। एक बार फोन लगा। ए, वो वाटर प्यूरिफायर वाले को फोन कर रहे हैं। वाटर प्यूरिफायर वाले से नहीं रे, मेरा मतलब है उस चंदू को फोन कर। अरे चंदू को फोन लगा रे। भाई रिंग हो रहा है। ये लीजिए। फोन करेगा तो रिंग नहीं होगा तो क्या चेन होगा? ए, मैं भी आया। हेलो, मैं मकरंद बोल रहा हूँ, बस एक बार याद दिलाने के लिए फोन किया। अगर तू भूल गया ना तो तेरे अपने ही मारे जाएंगे। भाई मैं उसी काम में लगा हूँ, फाइनेंसर मिल गया, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। हाँ जो भी है जल्दी कर।
चंदू डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। सर फोन। हेलो सर, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपसे मिलने कहाँ ना? मेरा साथ में है। जी है सर। उसको फोन दो। थरकी बुड्ढा कहीं का। मीरा, बुलेट बाबू से बात करो ना मेरे लिए प्लीज। हाय सर। हाँ, सारे पेपर तैयार है ना? हाँ। तो उन्हें ले आओ, मैं स्टूडियो में आइटम नंबर शूट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। ओके ओके ठीक है। ओके ओके, वेटिंग फॉर यू बेबी। हद हो गई, वो ठरकी मुझे शूट पर बुला रहा है। गुड इवनिंग। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आप चेक कर लीजिए। तुम कौन हो? बिना मतलब बीच में बात करने लग जाते हो, बच्चों को बात भी नहीं करने दोगे क्या? ओह सर, आपके बच्चे भी आए क्या? कहाँ कहाँ? हो गया हो गया हो गया हो गया, मजाक कर रहा है। दुनिया को दिखाने में शर्म नहीं आती, मैंने देख लिया तो ढक लिया।
ओके ओके, इससे ज्यादा परफेक्ट पेपर्स मैंने कभी नहीं देखे। और मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ कभी नहीं देखा। रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ, कोई एतराज है क्या? कर सकते हैं, लेकिन सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मामला क्या है ये बताओ, प्रॉब्लम है कि नहीं है ये मैं बताऊंगा। एक्चुअली सर, पिछले 20 साल से किसी ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, वो भरने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, कितना है? सर वो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, इनसे कर रहा हूँ। हाँ तो कितना बताया? चार करोड़ सर। 4 करोड़, क्या करें? वो घर। ओके ओके, समझ गया। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, मैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग बाकी सब तैयारी कर लो। ठीक है सर। तो कल के कल ही सब निपटा लेंगे। ओके ओके, बाय बाय सर। वैसे जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होता मैं। ओके ओके, बाय बाय। चलिए सर। हाँ बोलो, क्या बात है? चंदू बुलेट बाबू को बेवकूफ बना रहा है, वो भी एक नकली जमीन के नाम पर। चंदू उस जमीन का प्रॉपर्टी टैक्स लेने वाला है, वो भी पूरे 4 करोड़ रुपए। रजिस्ट्रेशन कब और कहाँ है बताया तुम्हें? रजिस्ट्रेशन तो आज ही है, लेकिन कहाँ पर है ये नहीं पता। ठीक है तुम जाओ, रजिस्ट्रेशन कहाँ है पता लगाओ। ओके। रजिस्ट्रेशन आज है लेकिन कहाँ इसे भी नहीं पता। सर रजिस्ट्रेशन आज है, चंदू ने मीरा को भी नहीं बताया। इसका मतलब है चंदू बुलेट बाबू को लेकर हो सकता है सीधा रजिस्ट्रेशन ऑफिस ही पहुंचे। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है सर। मैं किसी भी हाल में ये होने नहीं दूंगा, चलो। हाँ शॉट क्या है? आपको ऊपर से नीचे कूदना है सर। सर वहां से तो डुप्लीकेट कूदेगा, आपको तो बस टेबल के ऊपर से कूदना। हाँ, है सर। हाँ जल्दी करो। जी सर। ठीक है चलो, रेडी टेक करते हैं। ठीक है जाओ। एक्शन कट। फैंटास्टिक सर, वहां से आपने टेक ऑफ किया और यहाँ लैंड करेंगे सर, बस टूल के ऊपर से कूदना है। जी सर। इसके हाइट कम करवाओ यार। शॉट ओके। सर 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 सर, वन मोर करना पड़ेगा। क्या है, फोकस का प्रॉब्लम है? नहीं सर, आप इतनी हाइट से कूदे हैं, आपका चश्मा तो नीचे गिरना चाहिए। सिंपल लॉजिक है ना। हाँ सर। डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो क्या? नहीं सर। लॉजिक नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन चश्मा गिर गया तो मेरे फैंस हर्ट हो जाएंगे। शॉट ओके। पर सर ये लोग स्टोरी सुनाएंगे ऑस्कर के टक्कर की और बनाएंगे सी ग्रेड की पिक्चर, ये भी पिटेगी। इन्हें तो छोड़ दो। आजकल सुभाष क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है। पता है किसके साथ कर रहा है? सलमान के साथ। अरे कल ही सल्लू मुझे पब में मिला था, मेरी तारीफ कर रहा था। सर मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। अरे तो बोलने की आदत हो गई है, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? कौन सा डायरेक्टर फ्री है? कोई फ्री नहीं। अपना रोहित फ्री नहीं है, सब बिजी हैं, तो हम गरबा खेलेंगे क्या? मुझे भी यही लग रहा है सर, शायद पुलिस वाले आ रहे हैं। देखने से तो असली लग रहे हैं, शायद हफ्ता लेने आए होंगे। यहाँ कैसे आना हुआ ऑफिसर? आप इस लड़के को जानते हैं क्या? ओ जानता हूँ, हमेशा कबाब में हड्डी बनने का काम करता है ये। इसने आपसे कहा होगा बैंड्रा में एक जमीन है जिसके मालिक आप है, ऐसा ही कहा ना इसने? कहा था, तो क्या हुआ? आजकल खाड़ी को भी मिट्टी से भरकर लोग बेच रहे हैं, ऐसे में 20 साल से खाली पड़ी जमीन आपकी कैसे हो सकती है? ओ, उसके कहने पर मैं नहीं मानता सर, लेकिन वो लड़की ने कहा इसलिए मान लिया। थैंक्स सर, आपने मेरे पैसे बचा लिए। पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे लेकर जाएंगे, जब आप उसको पैसे देंगे तब हम उसे पकड़ लेंगे। आप तो ऐसा ही बोलेंगे, आपका क्या जा रहा है? अगर पैसे लेकर भाग गया तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे दे रहा हूँ, मुझे भिखारी मत बनाइए। जाइए सर जाइए। पैसों की गारंटी मैं लेता हूँ। आपने मेरी पिछली फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं देखा होगा, देखा होता तो अब तक आप यहाँ से जा चुके होते। वैसे मैं फ्लॉप फिल्में देखता नहीं हूँ। देख लिया करो। ये कुर्सी कौन रखा है, हटाओ इसको यहाँ से। समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है, हाथ में आते ही भाग जाता है। हेलो सर, हाईवे के पास एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, चंदू वहीं पर किसी को रिश्वत देकर रजिस्ट्रेशन प्लान कर रहा है। अब नहीं बचेगा, चलो। अच्छा सुनो, मैं घर आ रहा हूँ, बैंक के लॉकर की चाबी निकाल के रखना। फिर से आ गए तुम। इस बैग में 4 करोड़ रुपए हैं,
इस बार पैसे मेरे हैं। अपना प्लान तो याद है ना तुम्हें? याद है, प्रोड्यूसर को इतनी खुजली है तो मैं क्या करूं, आखिर हीरो हूं ना, हिला के रख दूंगा। हेलो 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 बेवकूफ, हेलो वो तुमसे ही बात करेंगे, प्लीज मीरा, प्लीज प्लीज। हाय सर। हाय डार्लिंग। बोलिए ना सर। पैसे तैयार हैं, बताओ कहाँ है? हाईवे के पास। ओके, हम वहीं मिलते हैं। ओके सर, खत्म। हाईवे के पास जाना है। ठीक है, चलिए। तुम जैसे ही पैसे लेकर अंदर जाओगे हम 2 मिनट में आ जाएंगे, याद रहे पैसे उसके हाथ में होने चाहिए। सुनो, तैयार रहो। अबे पैसे कहाँ हैं? जैसे ही मैं अंदर आया, चंदू मुझ पर झपटा और मेरे गले पे चाकू रख दिया। उसके बाद उसके दोस्तों ने मुझे कुर्सी पर बिठाया, बैग से सारे रुपए निकालकर ठूंस लिए और वहां से भाग गए। बोलो चंदू, पकड़ो उसे। ए, रुक रुक रुक। ए, वो किसी भी हालत में पकड़ा जाना चाहिए। We'll be right back.
अगर मेरा हिस्सा मुझे दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती। अब कौन बचाएगा तुझे? सही वक्त पर आए हैं सर। इसे अरेस्ट करने के लिए हमारे पास सबूत और दो गवाह भी है। ये रहा सबूत। कोई ना कोई पेंडिंग केस खोलकर तुझे उसमें फंसा दूंगा। सर ये सब तो मैंने इसे पकड़ने के लिए किया था। ये लड़की सब कुछ जानती है। ये सबूत उसने ही दिया है। सर अभी अभी इसने चोरी की है। सर ये वही चोरी के पैसे लेकर 9-2-11 हो रहा था। यकीन नहीं आता तो इसकी तलाशी लीजिए। अगर इसी वक्त मैंने तुझे अरेस्ट नहीं किया ना तो ये वीडियो मीडिया के पास पहुंच जाएगा। मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। अरेस्ट करो इसे। सर मुझे एक और मौका दीजिए प्लीज। ये जिसके पैसे लेकर भाग रहा था वही आपको सारी सच्चाई बता देगा। ओ इंस्पेक्टर, तुम मेरी बात कर रहे हो क्या? चल अब तुझे मैं फ्लैशबैक दिखाता हूँ। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तुम लोग मुझे उल्लू बना रहे हो ना? सर अब तक आपको पूरी बात पता नहीं है। हाँ तो बताओ। सर हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। दरअसल हम उस पुलिस वाले को निशाना बना रहे हैं। बस आप ऐसे ही एक्टिंग करते रहिए। हम उससे 4 करोड़ वसूलेंगे और आधा आधा बांट लेंगे। उन लोगों ने मेरी गर्दन पर चाकू नहीं रखा। मैंने अपनी मर्जी से उन्हें बैग दे दिया। उन्होंने पैसों को जैकेट में नहीं दूसरे बैग में रख दिया। धीरे से बांधो यार, स्टार बैठा है यहाँ। तू उसे पकड़ता तो तुझे प्रमोशन मिलता। तुझे फंसाया इसलिए फिल्म प्रमोशन के लिए पैसे मिल गए। बाकी तू समझ ले। बाय चंदू, मेरा हिस्सा पहुंचा देना। ओके सर। बाय डार्लिंग। ले चलो इसे। मैंने बोला था ना तुझे जीप से निकाल के पुलिस की बड़ी गाड़ी में बिठाऊंगा और उसका 4 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। आपका क्या जा रहा है सर? वो पैसे लेके भाग गया तो तुम पर झूठा केस बनाकर जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो 4 करोड़ क्यों देगा? वो पैसे जरूर देगा सर, क्योंकि हमारी दुश्मनी कुछ ऐसी है। इस बैग में 4 करोड़ है, सारे पैसे मेरे है। प्लान तो याद है ना? देर किस बात की, ले जाओ इसे। हेलो, पैसे तैयार है भाई, आना कहाँ है बताइए। तुझे इनऑर्बिट मॉल पता है? हाँ पता है। रोकड़ा लेके वहाँ। ए सुन, हाँ हम जाकर आते हैं, उन पर नजर रखो। ठीक है। ये पैसे बैग ले इससे, पैसे को एकदम अच्छी तरह से गिनना। पैसे पूरे हैं भाई। मेरे पापा को छोड़ दो। अरे बच्चे, छोड़ने की बातें बाद में करेंगे। मुझे जो भी धोखा देता है ना, मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता। सर वो बैंक रॉबरी और मर्डर करने वाला खतरनाक अपराधी हमारे हाथ लग गया है। ये क्या बोल रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है? मुंह बंद रख, ये लेकर चलो इसे। मेरा मुंह क्यों ढक रहे हो? बड़े मुजरिम को जब हम पकड़ते हैं तो उसका चेहरा लोगों को नहीं दिखाते। चल इसके तो बच गए 12। चल अपना गैंग बनाते। इसे तो पुलिस वाले ले गए। पापा और दीदी को कहाँ ढूंढेंगे अब? कौन से पुलिस स्टेशन ले गए होंगे इसे? इसे पुलिस स्टेशन नहीं, स्टूडियो ले जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? सुन, बैग में पूरे 2 करोड़ रखे हैं, लेकर आ। सर आई ला, ये तो पुलिस स्टेशन है। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, अरे हवलदार जी सुनिए तो, कोई बताओ तो सही मुझे क्यों गिरफ्तार किया है? मेरा नाम मकरंद है साहब और मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ। वो बंद रख। कई सालों से शहर को लूटने वाला बड़ा मुजरिम मकरंद का मुंबई माफिया के साथ संबंध होने का सबूत इंटेलिजेंस को मिला है। हैदराबाद और मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें सबसे बड़ा। ए, तुम न्यूज वालों को कुछ नहीं मिला तो मुझ जैसे बच्चे को माफिया से जोड़ दिया। नमस्ते साहब। पाकिट मार कहीं का।
छोड़ो साहब, छोड़ दो, माफ कर दो साहब, माफ कर दो, बट मारे मेरे को, बाप रे इतनी जोर से क्यों मारे, बस ओवर एक्टिंग ना करें। एक्सक्यूज मी सर। यस बैठ जाओ। मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। बोलो। मकरंद ने मेरे पापा और मेरी बहन को किडनैप किया है और उन्हें छोड़ने के लिए 2 करोड़ मांग रहा है। यही है ना वो? हाँ सर यही है। प्लीज सर आप ही कुछ कर सकते हैं। क्यों बे, इसके बाप और बहन को तूने किडनैप किया है? खुद की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। झूठ बोल रहे हैं। किया साहब। हाँ मैंने किया। कहाँ पे रखा है बोल? लोकेट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 13 फ्लैट नंबर 2 में है वो। सुन एम्बुलेंस लेकर आ। जल्दी होम मिनिस्टर को फोन कर और बता दे कि पापा मिल गए हैं। ए बेवड़े, यहाँ एक मोबाइल मिल सकता है क्या? पैसा देगा तो सब मिलेगा। एक कॉल कर सकता हूँ क्या? पहले बता पैसा कितना है? पूरे 3,000 है। 3,000 लगेगा एक कॉल का। एक कॉल का 3,000 रुपए? क्वार्टर 5,000 का, फिर भी मंगा मंगा पी रहा हूँ ना मैं। तेरे से 3,000 मांगा तो तू इतना चिल्ला रहा है, कॉल करना है तो कर दे। तो चिल्ला मत, ये रख, चलो फोन ला, एक ही कॉल कर। थैंक यू। हेलो, सुन रहे? मैं मकरंद बोल रहा हूँ। टीवी पर ये लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ मकरंद गिरफ्तार हुआ ये सच है, बाकी सब झूठ है। ये तो हमें पता है, हम खाना खा रहे हैं, खाना खत्म होते ही हम लॉयर से बात करेंगे। घबराओ मत, फोन रखो। यहाँ मैं जेल में बैठे बैठे सड़ रहा हूँ और तुम लोग वहाँ ठूस रहे हो। एक बार कहा ना, हम लोग खाना खा रहे, बाद में फोन करो। चलो। हेलो हेलो, बाहर आने दो फिर देखता हूँ। ए बेवड़े, ये फोन तो कट गया, और एक कॉल कर सकता हूँ? 3,000 रुपए दो और करो ना। अच्छा तो क्या मैं इससे एक मिस कॉल दे सकता हूँ? 1,500 रुपए लगेगा। मिस कॉल के लिए 1,500 रुपए? चार्जिंग करने का वो हवलदार 2,000 रुपए लेते हैं मेरे से। मैं 1,500 रुपए मांग रहा हूँ, मिस कॉल का 1,500 और एसएमएस करने का 2,000 रुपया। सोचा कि जिंदगी में बहुत पैसे कमाने के बाद इस दुनिया की सबसे महंगे जगह पर जाकर जिंदगी जीऊंगा, लेकिन इस धरती पर इससे ज्यादा महंगी जगह और क्या हो सकती है? आपका ले जा रहे साहब। सुनो, गोल गोल घुमाओ और दूसरे सेटअप पर ले जाओ। हाँ जाओ। अबे फटाफट बोर्ड बदलना, टेंशन में ज्यादा भूख लगती है ना। ए चुप करना, ये यहाँ क्या कर रहा है? ए चाय की दुकान। गलती से यहाँ आ गया, मुझे पता नहीं था तुम लोग भी यहीं रहोगे। तू यहाँ क्या कर रहा है? शूटिंग चल रही है ना, प्रोड्यूसर को चाय देके एक रोल मांगूंगा उससे। हाँ। तेरे लिए एक मस्त कैरेक्टर है, करेगा। हाँ? कैरेक्टर है? अब गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं होगी लाल। तो बताओ क्या करना है? सर, हमें क्या चीज किया है? बताइए सर, क्या सबूत मिले हैं? सर, मुझे कोर्ट से लड़ना है। प्लीज प्लीज साइड दीजिए। कौन कौन से आरोप हैं सर? बताइए सर, क्या किया है? नेक्स्ट। योर ऑनर, दरअसल केस ये है कि मकरंद नाम का ये आदमी बचपन से ही चोरी फिरौती और मर्डर करते आ रहा है। इसके नाम पर हर पुलिस स्टेशन में कम से कम 10 केस दर्ज हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की इंक्वायरी में ये पता चला है कि इसके संबंध माफिया वालों से भी हैं। इन्होंने जो भी कहा सब झूठ है साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फंसा रहे हैं। इस केस से संबंधित सारे सबूत मैं पेश करना चाहता हूँ। इतने खतरनाक मुजरिम का समाज में खुलेआम घूमना लोगों के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं अदालत से यह दरख्वास्त करता हूं कि इस खतरनाक मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इसको सजा दे दो। तेरी और जज साहब की सेटिंग है तो क्या तू कुछ भी बोलेगा? हम क्या यहाँ चाय बेचने को आए क्या? तुम्हें जो भी कहना है ठीक से कहो। हाँ कहूंगा ना, इसलिए तो पैसे लिए मैंने। मेरे क्लाइंट पे क्या क्या इल्जाम है बताइए? चोरी, डकैती और बैंक रॉबरी, ये सब किया है? मैंने नहीं किया। सुना आपने, नहीं किया। अगर किया भी होता तो इसको फांसी पे चढ़ा देते क्या? अगला इल्जाम, हत्या और बलात्कार, तुमने ये सब किया क्या? बिल्कुल नहीं। सुना आपने, इसने नहीं किया। अगर किया भी होता तो क्या आप इसको फांसी पे चढ़ा देते? अगला इल्जाम बताइए। जज साहब ने फांसी का नाम ही नहीं लिया। हाँ तो लेंगे ना, तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट। बॉम्ब ब्लास्ट भी। बॉम्ब ब्लास्ट किया तो हुआ क्या? इसके लिए फांसी चढ़ा देंगे क्या? अबे क्या बोल रहे हो? तुम टेंशन मत लो, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आप इसे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते। जज साहब इसे 20-30 साल की सजा दे दो, पुलिस की मार खा के ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फैसला सुनाने वाला तू कौन होता है? अबे टकले, सजा तू सुनाएगा क्या? मेरे दिमाग की हटा मत, अभी मैं बता रहा हूँ। क्या करेगा तू? तू सजा सुना के तो बाहर मिल मेरे को, मैं दिखाता हूँ तेरे को कि मैं कौन हूँ। समझा ना, मेरे साथ पंगा मतले, भारी पड़ेगा तेरे को।
भूलेगा नहीं कहीं के। सब असल में ये कौन है मुझे पता भी नहीं। सारे सबूतों और गवाहों के बिना पर मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ऊंची आवाज में बात करने के जुर्म में वकील को 525 रुपए का जुर्माना लगेगा। सर मैं तो कुछ भी नहीं लाया, मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। लेकिन जब मेरा क्लाइंट जेल जाएगा, चक्की पीस पीस के जो पैसा कमाएगा ना, उससे आप पैसे ले लेना, ठीक है जज साहब? भाई आप टेंशन मत लो, हम हाईकोर्ट तक जाएंगे। इस बार अच्छा वकील लाए भाई। वकील साहब, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है वकील साहब। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जज साहब ने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है ना, अब से तुम्हारे केस को मैं हैंडल करूंगा और सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे बचाव की अपील करूंगा। बस इतना ध्यान रखना कि मैं जैसा जैसा कहूँ सुप्रीम कोर्ट में तुम वही बयान देना, सब ठीक हो जाएगा। वकील साहब आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे फांसी से बचा लीजिए वकील साहब। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अब हम क्या करेंगे? एक इंस्पेक्टर मेरे पहचान का है, उन्हें सब कुछ बता देंगे, वो संभाल लेगा। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हेलो सर। कहाँ है वो? अंदर है, ले आओ। साहब फिर से कहाँ ले जा रहे हो? अब एनकाउंटर कर दोगे क्या? कल हाईकोर्ट नहीं जाना क्या? गीता की कसम खाके सब कुछ सच सच बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा नाम मकरंद है। साल 1985 में चोरी, डकैती, बलात्कार और हत्याएं करने के आरोप को मैं कबूल रहा हूँ। मुजरिम ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं, इसलिए इसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ए मकरंद, वहां देख बेटा। ये लो, ये तुम्हारे। जिस जज ने तुझे फांसी की सजा सुनाई वो पैसे ले रहा है, मतलब कुछ समझा कि नहीं? इससे पहले वाला कोर्ट पूरी तरह से नकली था, लेकिन ये वाला कोर्ट बिल्कुल असली है, जहां तूने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। सबको पैसा मिल गया ना? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तुमने मुझे धोखा दिया। इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, तू तो बहुत पुराना चीटर है रे। ए, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था बेटा? फ्लैशबैक देख। मैं तुझे कब का टपकाने वाला था, लेकिन तेरे टपकने से ज्यादा जरूरी मेरी बहन की पढ़ाई थी, इसलिए तो बच गया बेटा। लेकिन जिस दिन तूने मेरे पापा और मेरी बहन को किडनैप किया, उसी दिन से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। मैंने सोच लिया था ये मामला सिर्फ 2 करोड़ में खत्म नहीं होगा। मैं तेरी भावनाओं को समझ सकता हूँ, थोड़ा दिमाग लगा के सोच। वैसे भी तेरा बुढ़ापा आ गया है, कुछ सालों की सजा काट के यहीं गए वृद्धाश्रम में ईमानदारी से भर्ती हो जाना, और अगर उसके बाद भी तेरे मन में मेरे लिए बदले की आग जल उठी तो मैं आग बुझाने आ जाऊंगा। ओके बाय। Oh.